दोस्तों तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। भवाली का नज़ारा पीछे का। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं जागेश्वर के लिए। यहाँ से नाश्ता वास्ता कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि दूर है यहाँ से भवाली से। तो हम खा के फिर निकलते हैं बाहर के लिए। तो वहाँ चल के भोलेनाथ जी का दर्शन करते हैं और आप सबको भी करवाते हैं चल के वहाँ। तो आप सब बने रहिए मेरे चैनल पे। तो हम लोग निकल रहे हैं। भाई नाश्ता कर रहा है, पोहा खाते हुए खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। खाने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे। के हम ना करें नाश्ता, ये भी नाश्ता नहीं कर रहा है, कह रहा है भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद ही करूँगा, कुछ खाऊंगा। हाँ तो जिसको उल्टी आए वो खा के जाएगा। तो हम लोग नहीं खा रहे हैं दोनों, हम लोग देख रहे हैं सबको पोहा खाते हुए और धूप का आनंद ले रहे हैं पहाड़ों पे। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे। हाँ। और ठंडा है, ठंडा है, इसीलिए धूप का आनंद लिया जा रहा है। तो हम सब निकलते हैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने जागेश्वर, और फटाफट पहुँचते हैं, आप लोग भी दर्शन करवाते हैं पहुँच के। तो फिर आप सब बने रहिए मेरे चैनल पर। तो हम लोग निकल रहे हैं। सबसे हम लोग सबसे बड़ी दीदी हैं चारों भाई बहनों में, ये सबसे बड़ी हैं। तो ये भी नाश्ता कर रही हैं, फिर कर लेती हैं तो चलते हैं। फिर हम लोग निकल रहे हैं, कार में सब लोग बैठ रहे हैं। चलो बैठो बैठो तुम लोग। तो हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ का नजारा है जहाँ पे आए हुए हैं। चल चुके हैं होटल से जागेश्वर धाम के लिए, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। बच्चों का चल रहा है वैष्णो माता का। तो भवाली मार्केट से होते हुए हम लोग निकलेंगे जागेश्वर धाम के लिए। अभी सोना सोना लग रहा है, शाम को बहुत ज्यादा भीड़ होती है इस मार्केट में। हमको लग रहा है कुछ दिन पहले ही गिरा था क्या? यही वाला रास्ता बंद हुआ था ना जागेश्वर का। अरे सच में बहुत बहुत तेज पानी आ रहा है। ये है पहाड़ों की नदियाँ, इतने तेज बहाव में बह रही हैं ना। अच्छा कितना अच्छा लग रहा है ना छोटी। वो प्यार से बोलते हैं तुमको ना। तो कितना ठंडा मौसम है, बहुत सुंदर। हाँ बहुत अच्छा व्यू है, बहुत सुंदर सा लग रहा है। बीच बीच में हरियाली और ये जो बीच में पत्थर गिरा है, पहाड़ गिरा है, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। अभी और मंदिर कब दिखाते हैं। हनुमानगढ़ी बहुत सारी हनुमानगढ़ी ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं पहाड़ों पे। जय बजरंगबली महाराज। Two hours later. बना हुआ रेस्टोरेंट और यहाँ पे ऊपर है और ये समोसा है। वाह भाई समोसा कितना बड़ा बड़ा है। यहाँ से ये नजारा है जागेश्वर। अभी कुछ ही टाइम में पहुँच जाएंगे और यहाँ का व्यू है। रही हूँ क्योंकि मुझे करना है भोलेनाथ जी का दर्शन। वो पहले भोलेनाथ का दर्शन करूँगी, भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद ही कुछ खाऊंगी, चाय और पी ली हूँ। पहाड़ों का व्यू बहुत अच्छा लगता है, नज़ारा बहुत प्यारा सा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और ये गांव, छोटे छोटे गांव बने हुए हैं नीचे को। और एक खासियत और है यहाँ पे आने के बाद कि हर मोड़ पे एक मंदिर है,
किसी भी भगवान का, भोलेनाथ जी का, माता रानी का रहता है यहाँ पे। A few minutes later. कार पीछे थी, भाई भी आ गए हैं, अब लोग भी आ गए हैं। दीदी क्या हाल है, ठीक हो? चक्कर आ गया। सस्ता हो चुका है और चाय यहाँ की बहुत अच्छी लगी हम लोग, और हम लोग चाय और पी लिए हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं, इस समय एंट्री कर चुके हैं अल्मोड़ा मार्केट में। ये अल्मोड़ा मार्केट है। One hour later. जागेश्वर 3 किलोमीटर लिखा है? लिखा था उत्तर। अच्छा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम, और अभी रास्ते में ही है, अभी पहुंच जाएंगे, 5-10 मिनट लगेगा। यहाँ खुशबू चंदन की लकड़ी है, खुशबू इतना अच्छा, देवदार देवदार लकड़ी है। गाँव में बहुत आज जो बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि सावन का आखिरी दिन है, कल सोमवार खत्म हो जाएगा सावन का। भोलेनाथ के, महादेव के मंदिर का नजारा, और यहाँ की हरियाली, यहाँ की खुशबू बहुत अच्छी है। आज बाबा के धाम में बहुत ज्यादा भीड़ है, इसीलिए बहुत दूर पे ही पार्किंग करवा रहे हैं कार। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि पहले इतना नहीं रहता था। और ऋषि दीदी और सब भाई आ रहे हैं, यहाँ पे सब लोग दर्शन करके आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो अभी हम पहुँच रहे हैं, दर्शन करेंगे वहाँ चल के। हम पहुँच चुके हैं बाबा के दरबार में, जागेश्वर धाम भोलेनाथ के, और मैं दिखाती हूँ इधर। ऐसे ये मार्केट लगी रहती है, यहाँ भी पूजा के लिए सामान, और बच्चे भी आते हैं, खिलौने उलौने भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो चलते हैं मेन, क्योंकि हम लोग जब आते हैं मेन जो मंदिर है उसके सामने से प्रसाद लेते हैं, यहाँ से नहीं लेते हैं, और भी लोग ले सकते हैं यहाँ पे। तो स्थल पे आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है मन को। तो हुए हैं पहले आती थी अपनी दुकानें नहीं रहती थी, आज क्योंकि सावन चल रहा है इसी चक्कर में ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। पहले इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि श्रद्धालु भोलेनाथ के भक्त सब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं। श्रद्धालु भीड़ लगी हुई है अंदर मंदिर के अंदर, चल के वहाँ भी देखते हैं। भंडारा चल रहा है, अभी हमेशा ऐसे चलता रहता है भंडारा, सावन में जब आओ तब भी देखने देखने को मिलता है। ये पंडित को A few minutes later. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो यह है मेन गेट भोलेनाथ जी का, जागेश्वर महाराज जी का, और सामने ही मिलता है, यहाँ प्रसाद मिलता है, और आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ से आओ और प्रसाद लो, भोलेनाथ चढ़ाओ, अर्पित करो। तो यहाँ पे अभी सब लोग ले रहे हैं फूला फूल माला। वैसे मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे फूल माला और सब जो चढ़ता है भोलेनाथ जी को। और
इसमें भी एक पत्र डाली भैया। और नीलकंठ वाला फूल नहीं है क्या? नीलकंठ यहाँ के पत्ते पैसे लौट के ले लेंगे आलू के। पानी नहीं है भैया हाथ तो धुलने का। वो अच्छा लग रहा है। केदारनाथ हर महादेव तो हम फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं बाबा के धाम में। चलते हैं दर्शन करते हैं। आज बहुत ज्यादा भीड़ है। A few minutes later. Namah Shivaya. Shiva Jageshwaray. Shiva Jageshwaray. Har Har Rore Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Har Har Rore Namah Shivaya. Shiva Vishveshwaray. Shiva Vishveshwaray. Har Har Rore ऊपर रख लीजिए एक मिनट। सहस्रचंदाग्या ौरवैकांगंतावन ऋतुयजमानस्यानां अद्य दिवसे गौरम करुणावतारम सारम मुझे
पावसंतम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं समाहंगमं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानिगम्यं वंदे विष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथकं सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं मुज्जनीयाञ्च महाकालौ ओंकारमवलेश्वरं अरलियां वैद्यनाथं चोडाकन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धैर्धामैसं नागैसं दारुकावने आडारस्यान्त विश्वेशं ब्रह्मकं गौतमीदडे हिमालये तु केदारं भुजमैशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायङ्कालौ सप्तजन्मकृतं पापं स्मारेण विनाशयति रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय सीतायै पते नमः इलां भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता ृष्टम आतात्मजं वानरयूतपद्यं श्रीरामदूतं करणां प्रबद्धे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनेनं न चराचरं मङ्गलं दर्शनं दैवोदस्मै श्रीगुरवे नमः इष्टदेवताभ्यो नमः गुरुदेवताभ्यो नमः गुरुमितमात्मकमलेभ्यो नमः शुद्धे बुद्धे सहिताय श्रीमन्महामन्गणाधिपते नमो नमः बरहज्योडिगा प्रधान भोजन संकल्पं कुर्यादहौ सुवासदानि सुवर्णसूत्रै सारा कुछ जितना दिया गंधम समर्पयामि कृष्णाधिका सुगंधनी सुष्पाणि मारुत्यादिमयं प्रभो जयानि तानि पूजार्थं कृष्णे प्रदां धूपचर्ये सारा करेंगे आसि अभी कह रहे हैं मेरे सुप्रकाशो महात्मा प्रकाशो महादेवो सर्वक्ष्यादिग्राभो सवायाद वेंतरज्योति दीपज्योति नमस्ते नीचे भी रख सकते हैं ऊपर वो करो बाहर नहीं रखते अभियान भूमि चौकान अगल बैन नामा ऋतु फलानि समर्पयामि हरेर फलितं सर्वोदयं शिशिराज रौ तस्मात् फलप्रदारेण पुनः संत महतो आत्मजल निधिगा मुक्षुद्यार्थे आत्मलो आज प्रतिगम हाथ लगाइएगा ऐसे घुमाइए के साथ ऊपर बाहर गिरा देंगे आज प्रतिगम जलन भगवान गणेश जी का जप करना है 11 बार ओम गण गणपते नमः ओम 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 गणपते नमः 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 नम
शंकर जी को त्रिपुंड लगाना है चंदन का तीन अंगुलियों से अरे अन्ना थोड़ा फूल मांग रहे यार, थोड़ा फूल ला दिया, अच्छा बढ़िया बढ़ा दिया, शिव पूजा हाथ में लीजिएगा। अरे आपके यहाँ पहले से ही फुलवाई मिलता है, एक एक बिल पत्र यज्ञ फलम लगे एक कोटि, एक करोड़ यज्ञों के बराबर जो फल की प्राप्ति हो तो एक बिल स्वरूपी भक्ष्यम भोज्यम नैवेद्यम एवं फलम समर्पयामि नमो नमः। नारद जी का भक्ष्यम नैवेद्यम फलम निवेद्यामि, हाथ में जल ले लीजिएगा, इस जल को पांच बार घुमाना अपने साथ, हाथ लगा दिया ऐसे करके पांच बार घुमा लीजिए। ओम प्राणा स्वाहा, ओम बाना स्वाहा, ओम ब्याना स्वाहा, ओम दाना स्वाहा, समाना स्वाहा, हाथ धो लेंगे अपने भोजन। ओम शशि शेखराय, ओम भाम देवाय, ओम विरूपाक्षाय, ओम कबर दिने, ओम नील लोहिताय, ओम शंकराय, ओम शूल पाणिने, ओम खड़ग भांगिने। A few minutes later.
महादेव का दर्शन हो चुका है, अब चल रहे हैं नागेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। और बहुत अच्छा से उद्रव से किए हम, और यहाँ बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है, उद्रव से बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पे ऐसे सब रहते हैं, यहाँ पे करवाते रहते हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं करनी रहती है, सिर्फ आप चले आओ यहाँ पे और बस उद्रव से करवाओ सकते हैं अच्छे से। तो हम आ गए हैं यहाँ महादेव, तो चलते हैं अंदर दर्शन कर। हम लोगों का हो चुका है, मैं परिक्रमा करूंगी और यहाँ का जागेश्वर धाम महाकाल की नगरी। तो यहाँ पे चल रहा है रुद्राब से चल रहा है ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। ये शक्तिपुष्ट महादेवी जगत माता रानी के मंदिर है। ऐसे ऐसे छोटे मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे भोलेनाथ स्थापित किए गए हैं, मूर्ति स्थापित किए गए हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे में। हम चलते हैं पीछे साइड दिखाते हैं, यहाँ आओ और परिक्रमा जरूर लगाना चाहिए। भोलेनाथ की नगरी इतना अच्छा है, साइड में ऐसे पहाड़ों के बीच में है, ऐसे ऐसे बहुत बहुत ढेर सारे मंदिर ऐसे हैं और सारे स्थापित की गई है शिवलिंग भोलेनाथ की। आपका स्थान कैलाश में है, आप यहाँ कैलाश में स्थान नहीं, यहाँ सारे जल आते हैं जो पूजा किए जाते हैं। यहाँ पे कितनी भीड़ है, श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, उद्रव से कर रहे हैं, कितने लोग बच्चे यहाँ पे हैं। यहाँ से कहाँ से आ रही है तुम? अच्छा झरना है, वाटरफॉल। क्या बात कर रही? हाँ आओ, बुलाए लो नौ लोग, हो गया दर्शन और स्नान अच्छे से, वहाँ झरना है जाओ। हाँ गए गए थे माँ दिखा के ना। हाँ और यहाँ पे बहुत ठंडा है, केदारनाथ श्री केदारनाथ मंदिर है, यहाँ पे ऐसे ऐसे शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। हर उस मंदिर में पंडित जी बैठे हुए हैं। जहाँ से हम शुरू किए थे परिक्रमा करना, वहाँ फिर आ गए हैं हर हर महादेव। अब
हवा इतनी अच्छी चल रही है यहाँ पे, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी हो रही है कुछ कुछ टाइम पे, इसके बाद फिर ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो कंप्लीट कर लेंगे एक फेरा भोलेनाथ जी का, जागेश्वर मंदिर धाम का। अब चलते चल के देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाटरफॉल भी है, दर्शन करिए भोलेनाथ का, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब लोग दर्शन भी कर रहे हैं और लगे हुए हैं यहाँ पे। शुरू है वाटरफॉल में दर्शन वर्शन करके हम लोग आ गए हैं वाटरफॉल। ये मंदिर के अंदर है साइड में। A few moments later. Mummy, there. कोई और दूं। जय जय क्या खुश हो तुम भाई। हर महादेव। वाओ जय भोले। तो हम लोग चलते हैं अब भोले देवता दर्शन करते हैं। जय बोल दिया।